पंजाब वास्ते और गरीब जनता वास्ते सारिया सहूलतां मैनू लगता जिन्ने नीले कार्ड आटा दाल के कार्ड इत्थे बनाए मल्लां दा किन्ने गोले बनाए रूप मल्लां दा कोई 22,000 कार्ड ते मल्लां दा जदों दी कांग्रेस आई मल्लां ते कट दे इन्हां ने शगन नाल दे नाल पेंशन नाल दे नाल बड़ा बड़ा दुख लग्या जो पता किया तकरीबन 8-10,000 तक नीले कार्ड कटते 7-8,000 पेंशन कटती इन्होंने करते की इतों आज ही श्रोमणी अकाली दल की सपोर्ट करते कार्ड कट दो अकाली दल ने बीजेपी ने कार्ड कट दो हालात नहीं गुंडा राज चल रहे थे हर चीज चो पैसा लुटन से लगे जी सब तो माड़ी गल कांग्रेस ने की है मैं कहना जे की है तो खजाना मंत्री ने की है जेड़े इन एससी परिवार दिया बच्चे पढ़ाते असी मुफ्त स्कॉलरशिप जी दिते 4-4.5 लाख एससी परिवार के बच्चों असी मुफ्त पढ़ाते कॉलेज में जदों की कैबिनेट सरकार आई है जो खजाना मंत्री मनप्रीत है इन्हें स्कॉलरशिप बंद करती 4 लाख बच्चे जो पढ़ते उन्होंने कॉलेजों से बाहर निकलना पाया ये तो वड्डा माड़ा काम तो पाप जो पैसा आया सी साधु सिंह धर्मसोत ने जो सारे मंत्री छक गए ये तो माड़ी गल की है मैं याद है जो एमपी इतों एमएलए लड़ना सी मंत्री जी ने कहते मैं फैक्ट्री एक फैक्ट्री महीने की लाऊंगा आई कहते हर महीने ये मतलब किन्ने महीने हो गए 40-50 तो फैक्ट्रिया लग गई कि नहीं मैं आ करूंगा वो करूंगा यार कुछ नहीं करना इन्होंने नीयत साफ नहीं है तुसी देख लो स्टाफ प्रकाश सिंह की बादल या मेरी जो जुबान की थी वह पूरी की थी कि नहीं जे मैं क्या कि सरकार को थोड़ा जोड़ दूंगा सारे शहर ऐसा सड़क पछाण नहीं सकोगे अज बठिंडे तो चंडीगढ़ जाना बठिंडे तो अमृतसर जाना पता लगता है अभी क्या बिजली आमो आम कर देंगे चारों दिन एक थर्मल पैनल ला दे इन्होंने एक किट लाई है एक किट 4 साल हो गए बर्बाद करते पंजाब के 4 साल मैं वही बेनती करना है जे तुसी सही फैसला करोगे तो अगले 5 साल चंगे बीत जाएंगे जो गलत फैसला कर लिया तो फिर आप नहीं बैठे रहने 10 साल बादल साहब मुख्यमंत्री सी हर रोज कोई ना कोई चीज नवी बन रही थी नवी स्कूल आ रहे थे अस्पताल आ रही थी गलियां बनिया ने सीवरेज पाई जाते थे आ कम हो रहा वो कम हो रहे 4 साल होकर वेले हो गए हले भी बहुत कम करना है बठिंडे बठिंडे बहुत कम करना है पर कम किवें होगा ये थोड़ी सरकार होगी थोड़े मुख्यमंत्री होंगे खजाना मंत्री तो तुहानी 4 साल नहीं दिती तो हूं कहते 6 महीने दूंगा तो हूं इलेक्शन आ गया हूं हूं की खजाना मंत्री ने की दे देना जो 4 साल सारा चाबी खजाने थोड़े को 4 साल नहीं दिता तो हूं अगे कह दें आ कर देंगे वो कर देंगे अकलियां वोटा वास्ते जे असली ताकत तुम चाहते हो जे खुशियां जे इस इलाके की तरक्की चाहते हो श्रोमणी अकाली दल की वापस सरकार लेके आओ श्रोमणी अकाली दल की कमेटी मैं अज क्यों आया थोड़े को क्योंकि सारा पैसा जे असी भेजांगे कारपोरेशन राही लगता पैसा जे कारपोरेशन की टीम अपनी होगी तो देखो खुला पैसा आऊगा तो नाल ना लगेगा जे कांग्रेस की कारपोरेशन बन जाती है फिर होना की उन्हें जान के अड़चना पौनी है कम होने नहीं जान के रोकने हैं लड़ाई झगड़ा बढ़ना है तो आप क्यों अगले 5 साल बर्बाद करना चाहते हैं गरीब जनता को अच्छे तरीके मैं तुम्हें आज कई चीजा मैं आज भी ऐलान करता सरकार बन तो पहले पहले मैं दस रहा एक हर शहर के नाल एक पक्की कॉलोनी बनाई जाओगी पुरानी जाती सरकारी जिन्हे गरीबों कोई मकान नहीं उसे एक मकान दिता जाऊगा मैं समझ कोई भी गरीब का कोई मकान कच्चा नहीं होगा मैं जानते हो कि अज तक जो मैं क्या पूरा किया एक चीज नहीं कह सकते जो मैं नहीं किया कोई औखा नहीं है
नीयत साफ चाहिए है थोड़ी, हौसला चाहिए, काम करने का जज्बा चाहिए, जरा कांग्रेस नहीं है, आज लुटेरिया की पार्टी है। आज कांग्रेस के एमएलए में चारों तरफ घूम के आए, काम की कर रहे हैं, सारे रेते का माफिया हो, शराब के माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, इन्ना ड्रग्स खुला दिता जो ड्रग बेचना तो महीना लेते, ये तो बड़ी गल की है। मुख्यमंत्री चार साल हो गए निकले नहीं, उन्हें आप क्या कि मैं तंग ना करो, दो मर्जी कुटो, पुलिस ऐ बनी फिरती है, कई पुलिस वाले समझते हैं कि असि पुलिस वाले नहीं, असि मंत्रियों के पीए हैं, ऐसे कहे एस एच ओ जो बनिया फिर पीए भी है, एस एच ओ भी है, सारा कुछ ही है। उन्होंने पता होना चाहिए है कि जेड़ा खुला कर देना जो झूठे परचे देता है, उन्हें कल साले एमसी के कैंडिडेट ने झूठा परचा दिता, हम जिन्हें झूठा परचा दिता पुलिस वाला, तुम सोचते हो वो नौकरी नहीं जाऊगी? जेड़ा झूठे परचे देते हैं, मैं तुम्हें गरंटी दिना सरकार बदलने के बाद पहला काम करूंगा, अगर महीना डेढ़ महीने तक आई काम करा, जिन्हें पुलिस वाले ने झूठे परचे दिते उन्होंने नौकरी क्यों जसपे ना, जिन्हें डिस्पस होने फायदा उन्हें नवे मुंडे भर्ती करा। आज ये सोचते हैं ना कि आज मैं कहना ए सोच लो थोड़ी छह महीने रही थे नौकरी दे जिन्हें ने झूठे परचे दिना लुट, तुम देख लो 85-85 साल दिया माइया ने झूठे परचे देते या बुजुर्गों ने झूठे परचे देते। आज सोचते हैं कि धक्के लोगों को जोड़ लोगे, धक्के नहीं जुड़ते, प्यार जुड़ते, काम करके जुड़ते हैं, धक्के नहीं। चलो बेचारे लोग सहमे हैं डर जाके, पर जो असली टाइम आऊगा आ वोट की शक्ति थोड़े को शक्ति है, इन्होंने सबक सिखाओ, दिखाओ कि जेडे लुटते हैं झूठे परचे देते डराते हैं, जनता भी उन्होंने सही मौके पर उन्होंने जवाब दी है। आज जो इलेक्शन है इस करके कोई घबराने की लड़ नहीं, कोई डर की लड़ नहीं, डर के आप मैं भी इतने आऊंगा इलेक्शन के दौरान, कोई चिंता करने की लड़ नहीं, आप जितना किसी हार जितना है, क्योंकि जितना इसलिए क्योंकि सरकार हूँ कांग्रेस की तक जमान जबता हो सरकार पंजाब छोटी बन जानी है, वो सरकार को कामयाब बठिंडे वाले ने करने वास्ते मैं कारपोरेशन अपनी चाहिए है श्रोमणी अकाली दल की, आ कारपोरेशन अपनी होगी फिर थोड़ू पैसे की कमी ना होगी। जिन्हें अपने एक उम्मीदवार है संधु साहब कहते हैं संधु साहब, जो तुम जिन्हें उम्मीदवार जो तुम जवान करे होंगे अपने हल्के मैं लिस्ट दे दौ सरकार बनते एक महीने के अंदर थोड़ी जो कमिटमेंट मैं पूरी कर दूंगा। सरकार वास्ते कोई 100-200-300 करोड़ का कोई महीना नहीं, बठिंडे तुम देखा 100-200 करोड़ का बादल साहब मिलने का जाते जाते ही दे आते, तो इस करके आज क्योंकि साडा थोड़ा ना दिलोन लगा है प्यार अपने आप अभी हिस्सा समझते हैं सड़के का, सानू थोड़े तो उम्मीदा भी है, पूरी विश्वास भी है, हूँ साड़ी इज्जत जरूर रखियो, आ कमेटी सानू बना दी कि असं सफल तरीके काम कर सकी, जे एम सी साहब सारे बैठे सारे खड़े हैं, तुम जो अपने हल्के कमिटमेंट करनी है कर आओ, मैं लिस्ट दे दौ, जो कहोगे इतने जो सीवरेज पाना है मकान करने हैं कुछ भी करना है, कमी ना छड़ियो क्योंकि थोड़े रही काम भी अगे थोड़े रही करावे, जो कम होंगे कमिटमेंट कर देवे, थोड़े सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें